अनेकों भगत सिंह पैदा हुए और उन भगत सिंह को लड़ाई ली। आज भी भगत सिंह हमारे देश में जिंदा है। अंग्रेज खुश हो गए थे कि भगत सिंह को हमने फांसी दे दी, परंतु आज भी वो भगत सिंह हिंदुस्तान में हर युवा के मन में जिंदा है। वो भगत सिंह की विचारधारा हमारे अंदर जिंदा है। इसी प्रकार मोदी जी, एक केजरीवाल के शरीर को आप जेल में डाल सकते हैं। अनेकों केजरीवाल लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हिंदुस्तान में केजरीवाल है। कितने केजरीवालों को आप जेल में डालने का काम करोगे? मैं जिला अध्यक्ष साहब को चुनौती देता हूँ कि आप देखते हैं कितने केजरीवालों को जेल में बंद कर सकते हो। हम सब आज केजरीवाल है। सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं सैल्यूट करता हूँ। क्या आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इतने क्रांतिकारी है? देखो क्षेत्र में कितनी लाठिया, कितने वाटर कैनन, कितना मतलब किस प्रकार से हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। लाठियों से क्रांतिकारी साथियों के सिर फोड़े गए, टांग तोड़ दी गई, बाजू तोड़ दी गई, कमर पे लठ मारे गए। परंतु वो क्रांतिकारी साथी आज पूरे हिंदुस्तान में अपने जिला सत्र पर डट के खड़े हुए हैं। और 31 तारीख को दिल्ली में एक महारैली होने जा रही है। मोदी जी जोर है तो लगा लेना कि दिल्ली में आ रहे हैं 31 तारीख को केजरीवाल जी को बाहर निकालने के लिए, छुड़वाने के लिए। अनेकों लाखों करोड़ों केजरीवाल बनकर दिल्ली में पहुंच रहे हैं। मोदी जी अगर ताकत हो तो 31 तारीख को रोक के दिखाना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों, इतनी गर्मी में धूप के मौसम आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जींद के कार्यालय के बाहर थे और आप अभी वजीर ढांडा जी को सुन रहे थे, जो कि जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी जिला जींद विधानसभा से, और उनके साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का घेराव करने के लिए यहां पर आए थे। तो आपने देखा कि अपने ही इसी जो भारतीय जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन के दौरान वजीर ढांडा जी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को चुनौती दे डाली है कि 31 तारीख को जो कार्यक्रम होगा उसको वो रोक करके दिखाएं। तो मैं जींद से राज कपूर, जय हिंद, जय भारत।